हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड एड न्योस के बारे में, जो अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी हैचबैक कार एंड ये आपका देख रहे हैं सेकंड बेस्ट मैग्ना वेरिएंट, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये वेरिएंट यहाँ पे होने वाला है फुल्ली वैल्यू फॉर मनी रीजन के, जो यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे, चाहे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की हो, ऑडियो सिस्टम हो, DRLs हो, LED बैकलाइट्स हो, ये काफ़ सारी चीज़ें रहेंगी इस वेरिएंट के साथ। प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी खासी रखेगी, 7.5 लाख के आसपास जाएगा ये ऑन रोड इसका ये वेरिएंट। इसी के साथ आपको इसमें पेट्रोल प्लस CNG दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड पेट्रोल में बढ़िया ऑटोमेटिक भी ऑप्शन रहेगा इस कार में। कलर ऑप्शन है आपका बड़े एक्वाटेल वाला देख रहे हैं, जो एकदम प्यारा सा लग रहा है एंड साइड से देख रहे हैं काफ़ी बड़ी से इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। 2023 से यहाँ पे अपडेट भी काफ़ी कुछ हो चुके हैं, तो अभी वाइस फेसलिफ्ट में काफ़ी गजब के लुक्स एंड फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे, बम्पर पूरा चेंज है, DRL काफ़ी बढ़िया चौड़ी स्ट्रिप में आपको दिए जा रहे हैं, व्हील कवर्स यहाँ पे रहेंगे इस वेरिएंट के साथ। अंदर जाएंगे तो ऑडियो सिस्टम और भाई साहब यहाँ पे क्या रहता है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना इस तरह फ्लिप की रहेगी, जहाँ पे लॉक अनलॉक बुरपन के बटन, पीछे विंडो का लोगो, दूसरी मैनुअल की यहाँ पे आपको दी जाती है। अब आएंगे कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, फ्रंट फीचर्स से इसको पूरा कवर करेंगे। तो उससे पहले अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें, तो आपको यहाँ 4 वेरिएंट्स में कार ऑफर की जाएगी, इसका बेस एरा, देन मैग्ना स्पोर्ट एंड टॉप मॉडल आस्टा। CNG लेंगे तो आपको 2 वेरिएंट्स में मिलती है इसके मैग्ना एंड स्पोर्ट वेरिएंट के साथ, जो कि पेट्रोल रेट से समथिंग 1 लाख मोटा मोटा देखेंगे एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे हुंडई का बढ़िया सा लोगो शेल्टर फिनिश में, बम्पर यहाँ पे रहता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, देन इधर देखेंगे तो ट्रायरो डिजाइन मिस करेंगे, DRL ट्रायरो या चिड़िया से जो भी इसको बोल लीजिए काफ़ी सही से लग रहे हैं। यहाँ पे टोंगू का ऑप्शन इसके फ्रंट ग्रिल में। नीचे आएंगे तो ये रहा इसका पूरा इंजन सस्पेंशन सेटअप वगैरह आगे वाला एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिल जाता है 167 मिलीमीटर का। तो हैचबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ी सी क्रीजेस रहेंगी और ये रहा इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर का प्लेसमेंट। रूफ की तरफ आएंगे तो प्लेन रूफ डुअल टोल लेना चाहे तो वो भी ऑप्शन रहेगा, अपर में आपको बढ़िया से रूफ रेल्स वगैरह भी रहेंगी और यहाँ पे इसके आउटसाइड मिरर सेम बॉडी कलर आपको दिए जा रहे हैं। मैनुअली फोल्डेबल इलेक्ट्रिक वेजिटेबल यहाँ पे रहने वाले हैं ये। इस वेरिएंट में आपको फेंडर पर इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्पोर्ट में जाएंगे ना तो इंडिकेटर्स आउटसाइड मिरर्स में उठ के चले जाएंगे। यहाँ पे जब देखते हैं 14 इंच के स्टील रिम, व्हील कवर्स, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेगी, पीछे जाएंगे तो ड्रम ब्रेक्स, टायर प्रोफाइल 165/70 और 14 इंच के रेडियल के टायर। इतना कुछ यहाँ पे इसका ट्रेवल रहता है। अब बढ़ते आगे की तरफ तो डैशबोर्ड देखेंगे पूरा डुअल टोन में रहेगा, अंदर जाएंगे बड़ी ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल से काफ़ी सारी चीज़ें। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे बड़े से आपको इसकी कनेक्टिंग बैकलाइट मिलने वाली है, LEDs आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, देखने में वाई पीछे से भी पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है ये हमारी हुंडई ग्रैंड एड न्योस। वारंटी की बात कर ले तो आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है इस कार के साथ। कंपटीशन अब भाई टियागो से कराई, वैगनार से कराई, लेकिन अभी इसका क्या कहना है, फीचर्स तो आपको गजब के मिल ही रहे, लुक्स भी काफी अच्छे से मिल जाते हैं इस कार के साथ। अब आएंगे बैक में तो यहाँ पे हुंडई का लोगो, नीचे यहाँ पे देखेंगे न्योस की बैजिंग, ये देख रहे हैं ना इसकी कनेक्टिंग बैकलाइट, हालांकि जलती साइड वाली है, ये पूरी कनेक्ट रहेगी। यहाँ पे इसकी LED बैकलाइट्स रहती हैं, ग्रैंड आइटन की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। ऊपर आएंगे एंड स्पेशल थैंक्स SS हुंडई कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया, इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट में आपको कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऊपर यहाँ पे इसकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे इसका पावर एंटीना, स्पोर्ट में जाएंगे बढ़िया शार्पनर हो जाएगा। दो यहाँ पे मिलते हैं आपको पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट इसके रियर बम्पर में, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी देख सकते हैं दोनों साइड। ब्लैक कलर की यहाँ पे स्किड प्लेट और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप, राइट साइड में इसकी एग्जॉस्ट पाइप। तो ये था इसका पूरा ओवरऑल बैक प्रोफाइल एंड अभी चलेंगे इसके बूट स्पेस की तरफ। तो भाई ये इसका मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होने वाला है ना, कनेक्टिंग बैकलाइट जो एकदम प्यारी सी लग रही, नाइट में और ही गजब की लगेगी ये हमारी कार। तो आइए खोलते हैं इसका बूट गेट। तो आपको इसमें मिलने वाला भी पहले की तरह बढ़िया से 260 लीटर का बूट स्पेस एंड यहाँ पे देखेंगे पार्सल ट्रे नहीं रहेगी, जो आपको बाद में लगवानी पड़ेगी, आराम से लगेज वगैरह रखिए, उसके बाद कहीं भी निकल जाएगी घूमने। स्पेयर व्हील यहाँ पे देखेंगे स्टील रिम एंड यहाँ पे सेम साइज मिलेगा आपको 14 इंचेस का, तो इसको भी करते बंद एंड एडजस्टेबल पीछे वाले हेडरेस्ट, डैशबोर्ड का पे व्यू आप इसका देख सकते हैं। बाकी अगर आप इसके जाते हैं CNG वेरिएंट में तो यहाँ पे वही टैंक लगेगा, तब बोर्ड इस पर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, तो उसका भी आपको सोल्यूशन मिलता है। अगर आप इसके सेडान वर्जन में जाना चाह रहे हैं तो आप जाइए हुंडई ऑरा में, जहाँ पे आप गाड़ी को लेंथ वगैरह ज़्यादा मिलेगी ना, तो बोर्ड स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और इधर से इस तरह बड़े से लुक्स आपको मिलते हैं इस कार के, ये आप इसका एक्वाटेल कलर देख रहे हैं एंड इसके अलावा उसमें व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड जैसे और भी काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे इस कार में। तो अब आते आगे की तरफ, यहाँ पे इसका फ्यूल कैप फिलर आपको दिया गया है, जो कि रहेगा 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ, यहीं से पेट्रोल CNG जो भी लेंगे यहीं से दोनों चीज़ें आपको फिल करानी पड़ेंगी। तो ओवरऑल बैक प्रोफाइल पूरी कवर हो चुकी है, अब चलते हैं साइड में, फिर बात करते हैं इस कार के डायमेंशन के बारे में, बिकॉज भाई डायमेंशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से 10 मिलीमीटर की इस कार की लेंथ बढ़ाई जा चुकी है। तो पहले आपको मिलती थी 3805 मिलीमीटर की लेंथ, अभी मिलती है 3815 मिलीमीटर की लेंथ इस कार की, 1680 mm की विथ एंड 1520 mm की हाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो भाई लेंथ का इंक्रीमेंट कैसे हुआ, जो कनेक्टिंग बैकलाइट आप देख रहे हैं ना, ये भाई 10 mm यहाँ पे बढ़ चुकी है इसकी वजह से इस कार की लेंथ। व्हील बेस आपको मिलता है 2450 mm का एंड वारंटी वगैरह मैंने आपको बताया थी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की रहती इस कार की। फीचर्स वाइज भी यहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है, तो उसके बारे में अंदर चलेंगे बात करेंगे, बिकॉज क्लस्टर वगैरह थोड़ा सा चेंज हुआ है, 4 एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं, DRL चेंज है, बैकलाइट चेंज है, इसी के साथ अपग्रेड करेंगे ना अपर वेंट्स में, तो वहाँ पे आपको और भी कवसर फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो साइड से तो भाई एकदम प्यारी सी लग रही है। अब आते हैं कार के आगे की तरफ, हैंडल सबसे पहले आप देखेंगे ना
तो सेम बॉडी कलर यहाँ पे चारों रहने वाले हैं। सेकंड वाली रो पे चलते हैं, वहाँ पे बैठ के देखते हैं स्पेस वगैरह। तो ये है इसका पूरा डोल टून में डोर पैनल। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है, डोर ओपनर, यहाँ पे स्पीकर्स एंड बॉटल डोर देखने को मिल जाएगा इनकी डोर्स में। इधर देख रहे हैं ना, मैटिंग वगैरह रखी, इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाते हैं। फैब्रिक की सीट्स रहेगी और ये इसका एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे। आइए बैठ के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सेंटर कंसोल, जो एकदम बढ़िया से लग रहा है ना, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स, नीचे बड़े से 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, जैसे फोन वगैरह कुछ भी अपना चार्ज कर सकते हैं। लेग रूम नी रूम वगैरह सही से रहेगा इस हैचबैक के अकॉर्डिंग। तो ये मैटिंग वगैरह थोड़ा अवॉइड करिएगा। इधर का डोर पैनल, यहाँ पर जाएंगे तो हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे नहीं लगवा लेंगे तो उस पर आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट यहाँ पे सब एडजस्टेबल रहेंगे आप पीछे वाले, ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ ऐड ऑन हुई है। तीसरे पर्सन के लिए पे सीट बेल्ट पहले नहीं आती थी, अभी आपको भी देखने को मिलेगी। तो ये था इसका पूरा डैशबोर्ड, केबिन स्पेस वगैरह। ऊपर लाइट यहाँ रहती हुई पीली वाली। तो हम निकलेंगे गाड़ी के बाहर और यहाँ पे भाई अपडेट पता क्या हुआ, सीट की क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे अभी को सीट्स में भी यहाँ पे बड़े दो एयरबैग्स रहेंगे, दो आगे डैशबोर्ड में। तो चार एयरबैग्स यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर कर दिया गया है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ। तो इसको खोलते हैं, डोर ट्रिम वही पूरी यहाँ पर डोल ट्रिम में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो वही चारों पार्टों के कंट्रोल्स, एंड उसी के बगल में यहाँ पर रहेगा लॉक अनलॉक के बटन्स एंड ओआरवी एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स। डोर ओपनर यहाँ पे ब्लैक फिनिश में, नीचे जाएंगे वही स्पीकर्स बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं इनकी डोर्स में। डैशबोर्ड भी सेम डुअल टोन में रहेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स वगैरह। और ये देखिए अपडेट, यहाँ पे हमें लाइटिंग पहले आपको नहीं मिलती थी, ये भी अभी आपको इसमें ऑफर की जाने लगी है। सीट्स के यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्वालिटी पहले से इंप्रूव की जा चुकी है। एंड यहाँ पे आएंगे तो हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे इसका फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के भी सी पैडल्स यहाँ पे देखेंगे तो डेट पैडल भी आपको दिया गया है। तो ये हो गया, ऑटोमेटिक लेना चाहते उसका भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स, हेडलैम्प लेवलर, एंड नीचे देखेंगे तो आगे का बोनट खोलने का लीवर यहाँ पे साइड में ऑफर किया जाता है। तो अभी बैठेंगे कार के अंदर। तो बैठने के बाद सबसे पहला काम भाई साहब क्या रहेगा, सबसे पहले करेंगे डोर को यहाँ पे बंद। तो इसको बंद करते फिर देखते हैं ओवरऑल इसका पूरा डैशबोर्ड। तो ये रहा इसका पूरा सेंटर कंसोल। अब ऑन करेंगे इसके इग्निशन को, तो ये देखेंगे ना भाई पूरा यहाँ पे अनलॉक रहता है, इसमें काफ़ी सारी चेकलाइट्स वगैरह, हालांकि अपडेट हो चुका है। अपडेट कहाँ से आपको पता चलेगा, ये देख रहे हैं ना, ये जो सुइयाँ हैं ना इसकी, टेम्परेचर वाली, फ्यूल गेज बार वाली, पहले आपको यहाँ पे बार्स मिलते थे, डिजिटल वाले सब अनलॉक कर दिया गया है। टीपीएमएस यहाँ पे ऐड हो चुका है, सीट बेल्ट वाला देखेंगे तो तीन यहाँ पे रिमाइंडर दिखा रहा होगा। बाकी इसमें देखेंगे तो एवरेज वगैरह आपको सब शो करेगा, एवरेज माइलेज, रेंज, टीपीएमएस, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर वगैरह। इधर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, यहाँ पे हुंडई का लोगो, देन इधर सारे आपको मिलते हैं ऑडियो सिस्टम, टेलीफोनिक वाले कंट्रोल जो आपको ये बटन वाला दिया जा रहा है उसके, यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन वाले सारे कंट्रोल्स। एंड इधर आएंगे तो हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, और एडजस्टमेंट की बात कर ले तो ये रहने वाली है टिल्ट एडजस्टेबल इसकी स्टीयरिंग, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बढ़िया सी लाइटिंग यहाँ पे लग रही, जो हमें लाइटिंग ब्लू कलर की आपको मिलती है, नाइट में और ही गजब का आएगा फील इस कार में। तो अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पे दिखेगा ये बटन वाला बढ़िया से इसका ऑडियो सिस्टम, इसके साथ आपको बढ़िया सा स्पीकर ट्विटर का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें आपको यूएसबी ऑक्स ब्लूटूथ वाली यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी। ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, वॉल्यूम वगैरह और ट्रैक वगैरह जो भी यहाँ से आप सब कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पे कंट्रोल्स रहेंगे। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे मीडिया वगैरह जो भी आपको करना है। एंड अगर आप इससे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको बढ़िया स्पोर्ट में टच वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पे हेजा लाइट का स्विच, एसी वेंट्स का डिज़ाइन, यहाँ पे मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे टाइप सी यूएसबी का पोर्ट, बीच में 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, साइड में यहाँ पे देखेंगे तो टाइप ए का भी यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेस अपर वेंट में चाहेंगे तो वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन रहेगा टॉप मॉडल में। ये इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स, ये इसकी हैंड ब्रेक, देन इधर का पूरा पैनल, और ये देख रहे हैं ना यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर रहेगा। एक यहाँ पे एयरबैग, दो सीट्स में और एक ड्राइवर साइड, यानी चार एयरबैग टोटल्स मिलते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस, ग्लब बॉक्स के इतने कुछ स्पेस यहाँ पर रहेगा इस कार का। तो कूल्ड ये नहीं रहेगा, नॉर्मल सा रहता है। ऊपर आएंगे तो इसका एडजस्टेबल IRVM, यहाँ पे देखेंगे माइक, सनवाइजर में यहाँ पे इसका दिया गया टिकट होल्डर, इधर बड़े सा वैनिटी मिरर, एंड यहाँ पे इसका हैंडल। पीछे का कैबिन आपने देख लिया बैठ के, कैसा कुछ यहाँ पे कंफर्ट था तो सही सा था इस हैचबैक के अकॉर्डिंग। अपर वेंट्स में जैसे जाएंगे ना तो टच इन्फोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल, और वहाँ पे क्या होगा आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री जैसे काफ़ी सारे फीचर्स वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये था इस कार का यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड वगैरह। अभी निकलते कार के बाहर, फिर बात करेंगे हम लोग इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो अब आइए खोलते हैं इसके बोनेट को। तो यहाँ पे आगे की तरफ लीवर दिया गया है, एंड ये आप इसका देख रहे हैं BS6 फेज 2 कंप्लाइन वाला इंजन, क्योंकि यहाँ पे भाई 1 अप्रैल से सभी में यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है BS6 फेज 2 कंप्लाइन इंजन, या BS6.2 वाला बोल दीजिए। सबसे पहले वैसे खोलेंगे इसका बोनेट, इस तरह पूरे इसके इंजन की प्लेसमेंट। तो ये इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 83 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क, समथिंग 20 kmpl का माइलेज मिल जाएगा इस कार में। इंजन की पूरी प्लेसमेंट इस तरह रहती, बीच में इंजन रहेगा। यहाँ पे 1.2 लीटर की बैचिंग भी दी गई है, साइड में यहाँ पे देखेंगे कूलेंट वगैरह, एंड यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट वगैरह। एंड अगर आप इसके सीएनजी वगैरह में जाएंगे ना तो इंजन सेम रहता है, उसमें आपको 68 BHP की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क मिलता है, समथिंग 28 का माइलेज।
यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, मीन कवर नहीं रहेगा, पूरा खाली खाली सा है, क्योंकि भाई एकदम साइलेंट इंजन है ना, तो उसको यहाँ पे कवर किया ही नहीं गया है। और अब बात करेगा इस कार की प्राइसिंग के बारे में, जो आपका देख रहे हैं मैग्ना पेट्रोल वेरिएंट, तो ये आपको पड़ेगा 662,100 रूम एंड 763,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। मैग्ना सीएनजी लेंगे तो आपको पड़ेगा 758,100 रूम एंड 870,000 के आसपास ज़्यादा ऑन रोड लखनऊ। तो ये इसकी प्राइसिंग। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS विद EBD, 4 एयरबैग्स, TPMS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे यहाँ पे काफी फीचर रहेंगे इस कार में। अपर वेरिएंट में जैसे अपग्रेड करेंगे तो आपको ट्रैक्शन ESP वाले भी फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो इस Hyundai Grand Elantra NIOS के मैग्ना वेरिएंट पे। तो अगर वीडियो आज का हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, एंड अगर आपको इसके अलावा स्पोर्ट आज तक किसी भी वेरिएंट का वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, एंड भाई हैचबैक में आपको कैसा ऑप्शन लगता है ये Hyundai Grand Elantra NIOS का। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।